आप लोग खुश हैं ना आप लोग? चलिए आ जाइए जल्दी 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 आ जाइए, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना फेवरेट शो टेक्सिटी www.radioudaan.com पर मेरे यानी कि अपने दोस्त आज शाम के साथ में। और दोस्तों आज टेक्सिटी पर जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है FS रीडर। जी हाँ, FS रीडर क्या है? FS रीडर है एक डेजी बुक रीडर। डेजी बुक क्या है? डेजी बुक्स होती हैं वे बुक्स जो स्पेशली डिजाइन की जाती हैं प्रिंट डिसेबल लोगों के लिए, और इन बुक्स के माध्यम से हम नॉलेज गेन करते हैं। डेजी बुक्स, डेजी एक है एक्रोनिम जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल एक्सेसिबल सिस्टम इन्फॉर्मेशन। ओके, डिजिटल एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं। आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं इस वर्ड के बारे में। DAI, डिजिटल एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन, SY सिस्टम, ये है इसका फुल फॉर्म, डिजिटल एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डेजी। चलिए, डेजी बुक्स को रीड करने के लिए होता है हमारा ये सॉफ्टवेयर FS रीडर के नाम से। ये कहाँ आता है, कहाँ से मिलता है? ये जॉस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो जॉस के साथ में ये आपको मिलेगा FS रीडर के नाम से। FS रीडर में आप डेजी बुक्स पढ़ सकते हैं। डेजी बुक्स आएंगी कहाँ से? डेजी बुक्स जॉस की अपनी हेल्प की जो बुक्स होती हैं, ट्रेनिंग बुक्स होती हैं, वे भी आपको मिल जाएंगी freedomscientific.com इस वेबसाइट पर। दूसरी चीज, आप बुक शेयर इस वेबसाइट की मेंबरशिप लेकर भी यहाँ से डेजी बुक्स ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। एक और वेबसाइट है learningally.org, इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप डेजी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसके सब्सक्राइबर हैं तो। चलिए अब बात करते हैं FS रीडर ओपन कैसे किया जाए। FS रीडर को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर इसका शॉर्टकट ढूंढना होगा। अभी मेरे पास ओपन है, क्लोज कर दिया मैंने। चलिए ओके, मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ। Windows D, desktop, folder view, list view, FS Reader 3.0, 8 of 19. To move the item, use the arrow key. To edit the selected item, press F2. मेरा कर्सर ऑलरेडी FS Reader पर है, अगर ऑफिस रेडर पर नहीं होता है तो मैं F प्रेस करके FS Reader को ढूंढ लूंगा। F, one with type of F, Firefox, F, free videos, F, free make video, F, FS Reader 3.0. That's it. ये है FS Reader. यहाँ पर एंटर की प्रेस करके FS Reader को मैं ओपन कर लूंगा। दूसरा तरीका है, आप सर्च मेन्यू में FS Reader को सर्च कर सकते हैं, कैपिटल F, F, कैपिटल S, S, कैपिटल R, R, E A D E R स्मॉल में E A D E R Reader, uninstall FS Reader, FS Reader 3, FS Reader 3 ये मिल गया। यहाँ एंटर की प्रेस करके मैं ओपन कर सकता हूँ। अदरवाइज एक और तरीका है FS Reader को ओपन करने का, जॉस के मेन्यू में जाने का पहले, उसके बाद FS Reader को कैसे ढूंढना है वहाँ पर वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जॉस के मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से हम हेल्प इस मेन्यू में जाएंगे और वहाँ ट्रेनिंग नाम का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर एंटर की प्रेस करते ही लॉन्च हो जाना चाहिए FS Reader। तो अभी हम ये तरीका भी ट्राई करके देखें। Leave in menus. और क्यों ना इसी तरीके से FS Reader ओपन करें। तो जब आप FS Reader ओपन करेंगे तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स भी ओपन दिखाई देगा। वो टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रीडम साइंटिफिक की बुक्स का होता है, डेजी बुक्स का होता है। जॉस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऑप्शन सब मेन्यू ओ, मैंने जॉस कॉन्टेक्स्ट सब मेन्यू ओपन कर लिया है इंसर्ट प्लस जे प्रेस करके और एच प्रेस करूंगा यहाँ पर। एच ट्रेनिंग जी ट्रेनिंग हेल्प में आ गया हूँ मैं, ट्रेनिंग आ गया है और ट्रेनिंग पर एंटर की प्रेस करते ही Enter menu bar, leave in menu bar, FS Reader table of contents, page has 5 headings and 27 links. ये है FS Reader, 5 headings और 27 links, something something कुछ इस तरह का बोला है। इसका मतलब ये कि FS Reader का व्यू जो है HTML व्यू है जिसमें नेविगेट करना बहुत ही एक्सेसिबल है। अभी मैं इसे बंद करता हूँ और अभी आपको बताता हूँ FS Reader में आप डेजी बुक्स पढ़ेंगे तो उन डेजी बुक्स को ओपन कैसे करेंगे। डेजी बुक्स पढ़ने के लिए आपको मैंने बताया बुक्स कहाँ कहाँ से मिलेंगी, learningally.org, बुकशेयर और एक वेबसाइट है freedomscientific.com जहाँ पर आपको जॉब्स के जो हेल्प मटेरियल है वो आपको मिल जाएंगे। डेजी बुक्स कितने प्रकार की हो सकती है? डेजी बुक्स होती है एक तो होती है ऑडियो नरेटेड बुक्स,
दूसरी होती है टेक्स्ट ओनली डेजी बुक्स और तीसरी होती है टेक्स्ट अलोंग विद ऑडियो नरेशन बुक्स। तीनों ही प्रकार की बुक्स हम एफएस रीडर के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। डेजी बुक्स पढ़ने का मतलब क्या है ये आपको थोड़ा सा मैं समझाऊं। फिलहाल एफएस रीडर के माध्यम से आप डेजी बुक्स में नेविगेशन बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑडियो बुक्स आपके पास कैसेट पे होती थी पहले, तो क्या होता था आपने कैसेट लगाया और आप सिर्फ चैप्टर बाय चैप्टर नेविगेट कर सकते हैं, या यू कहे कि आप उन्हें सिर्फ सुन सकते थे रिवाइंड या फॉरवर्ड करके। उसमें भी क्या होता था कैसेट्स खराब हो जाती थी, फिर आई सीडीज, पेन ड्राइव या कंप्यूटर पर अलग अलग प्रकार के प्लेयर जैसे विनम प्लेयर। इनमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा बैकवर्ड फॉरवर्ड वगैरह भी कर लेते थे, या पेन ड्राइव या सीडीज की बात करें तो उसमें आप सीडी प्लेयर पर अगर सुनते हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर नेविगेशन हो सकता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन डेजी प्लेयर एफएस रीडर की अगर बात करें तो इसमें आप वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, सेंटेंस बाय सेंटेंस या थोड़ा सा बैकवर्ड या फॉरवर्ड और साथ ही साथ चैप्टर बाय चैप्टर नेविगेट भी कर सकते हैं बुक्स पर। कुल मिलाकर सीधे सीधे शब्दों में एफएस रीडर ने आसान कर दिया है डेजी बुक्स को रीड करना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि डेजी बुक्स में एफएस रीडर में कोई भी डेजी बुक ओपन कैसे की जाए। एफएस रीडर में ओपन करता हूँ डेस्कटॉप पर जाकर विंडोज सी डेस्कटॉप फोल्डर व्यू लिस्ट व्यू एफएस रीडर 3.0 8 ऑफ 19 रिमूव द आइटम यूज द एरो की टू एडिट द सिलेक्टेड आइटम प्रेस F2। एफएस रीडर पर मेरा कर्सर है, मैं एंटर की प्रेस करता हूँ यहाँ पर। एंटर एफएस रीडर अनटाइटल्ड। अच्छा एफएस रीडर जब आप ओपन करते हैं तो कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे या फाइल मेन्यू में जाकर के ओपन। यहाँ पर दो चीजें हैं, ओपन और ओपन टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो आपको ओपन वाला ऑप्शन चूज करना है जो कि कंट्रोल ओ प्रेस करके भी आ सकता है और ट्रिव्यू यहाँ पर मिलेगा और उससे आपको एक बुक ओपन करनी होती है। मैं अभी एक बुक ओपन करता हूँ जो कि मेरे जी ड्राइव में, चलिए हम एक बुक ओपन करते हैं, अब्राहम लिंकन की टेस्ट ऑनली डेजी बुक है ये। और इसमें आपको टेक्स्ट मैं बताऊंगा किस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं और मेन्यूज का उपयोग करके भी आपको मैं बताऊंगा कि इसमें मेन्यूज में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा मैं और बुक सर्च करूंगा यहाँ पर। कंट्रोल ओ, ओपन डायलॉग, फाइल नेम, एडिट कॉम्बो, जीरो आइटम, सेट द वैल्यू, यूज द एरो कीज़ और टाइप द वैल्यू, ऑल्ट प्लस एन। टैब की प्रेस करके या ऑल्ट आई प्रेस करके मैं लुक इन कॉलन कॉम्बो बॉक्स में जा सकता हूँ, तो मैं ऑल्ट आई प्रेस करूंगा। Alt I, look in, combo box, my bookshare, 707, to change the selection use the arrow key, Alt plus I. Already, my bookshare is folder mein hoon main, is par enter key press karunga. Enter, file name, edit combo, zero item, tab, file of type, comp to ship tab, file ship tab, toolbar ship tab, toolbar go to last folder, visit the ship tab, look in, combo, tab, toolbar, file name, edit tab, file of tab, open button to activate, press space bar, Alt plus off, ship tab, escape. Escape. Control O. Open dialog. File name. Edit combo. Zero okay. Item. Set the value. Alt I press. Alt O. Alt I. Look in. Combo box. My bookshare. Tab. Toolbar. Tab. Toolbar. File name. Edit comp. Zero. Ship. Tab. Toolbar. Toolbar up one level. Ship. Tab. Look in. Combo box. My book. Books. More. Books. My bookshare. Enter, look in, combo box, my books, tab, file name, edit combo, tab, file of type, tab, open button, to add, tab, cancel, tab, list view, tab, folder, ship, tab, list view, not selected subject, 106, to move the tab, folder view, list view, not selected graphic 344, Abraham Lincoln 12/23/20, graphic 344, Chininda Katania, graphic 344, Abraham Lincoln 12/23. मेरा अब्राहम लिंकन वाला फोल्डर मुझे मिल गया है, मैं इस पर एंटर की प्रेस करूंगा। एंटर फोल्डर व्यू लिस्ट व्यू नॉट सिलेक्टेड ग्राफिक 16 10 डेज अब्राहम लिंकन डॉट ऑप 4/24/2014/117 AM OPF फाइल 4KB 1 of 1 टू मूव द आइटम यूज द एरो की टू एडिट द सिलेक्टेड आइटम प्रेस F2। और ये बुक मुझे मिली है, मैं इस पर एंटर की प्रेस करूंगा इसको सिलेक्ट करके। ग्राफिक 16 10 डेज अब्राहम लिंकन डॉट ऑप 4 एंटर हैड एवरी रीजन टू बी कॉशियस पोलाइट एंड पॉलिटिकल। अच्छा एक चीज इसके बारे में आपको बताऊं कि जहां से आप रीडिंग करना स्टॉप करते हैं
वहीं पर जब नेक्स्ट टाइम आप किसी इस सिलेक्टेड बुक को आप ओपन करेंगे तो वहीं से रीडिंग करना आरंभ करेगा ये। हेडिंग लेवल 1 10 8। ओके, मैं अभी टॉप पर हूँ इसके और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सबसे पहले जो एफ एस सीडर है उसका व्यू। सबसे पहले एफ एस सीडर में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, उसके बाद होता है मेन्यू बार और उसके बाद लेफ्ट और राइट दो पेन होते हैं। लेफ्ट पेन में नेविगेशन पेन होता है जहाँ पर ट्रिव्यू होता है, जहाँ से आप कोई भी बुक जो आपने ओपन की है उसका कोई चैप्टर या लेसन सिलेक्ट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। डायरेक्टली आप अगर 23rd लेसन पे जाना चाहते हैं तो आप उस नेविगेशन पेन में से 23rd लेसन को ढूंढ करके उस पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद एक होता है डॉक्यूमेंट एरिया, राइट पेन जो होता है स्क्रीन का राइट साइड होता है, उसमें डॉक्यूमेंट होता है, पूरा टेक्स्टुअल भाग होता है डॉक्यूमेंट का और उस भाग में डॉक्यूमेंट का पूरा टेक्स्ट होगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आप अगर कोई ऑडियो नरेशन है तो आप उसे भी सुन सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन फिलहाल मेरे सामने एक टेक्स्ट बुक है जिसमें ऑलरेडी एक बुक मैंने जो ओपन की है उसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट है सारा का सारा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ टैब की से मूव करेंगे या किसी और की से। हम मूव करेंगे एरो की से सारे टेक्स्ट पर और साथ ही साथ ये HTML व्यू है तो आप हेडिंग बाय हेडिंग H प्रेस करके मूव कर सकते हैं। रेडियो बटन अगर है तो A प्रेस करेंगे अगर आपके पास जॉस 15 है जैसे कि मेरे पास है, आई थिंक जॉस 14 से ही ये चीज लागू हो चुकी है तो मुझे इस बारे में थोड़ा कंफर्मेशन नहीं है। आप उसके हेल्प में जाकर भी देख सकते हैं कि उसके क्या फुट मार्क्स हैं। अगर जॉस 12 या 11 आप यूज कर रहे हैं, 11 अगर यूज कर रहे हैं तो होपफुली आपको यूज करनी होगी जो ट्रेडिशनल कमांड थी पहले की, R फॉर रेडियो बटन, लेकिन यहाँ पर R फॉर रीजन है, A फॉर रेडियो बटन है, तो B फॉर बटन, F फॉर फॉर्म्स, H फॉर हेडिंग्स और टैब की से लिंक्स बाय लिंक्स आप नेविगेट कर सकते हैं। तो ये चीज थी नेविगेशन को लेकर के। HTML व्यू है तो एक्सेसिबल है रीड करना और टेक्स्ट आप एरो कीज के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंसेस और वर्ड बाय वर्ड, जिस तरह से आप नॉर्मल रीडिंग कमांड्स, स्टैंडर्ड रीडिंग कमांड्स आप यूज करते हैं वही आपको यहाँ पर भी यूज करनी है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इसके पेन्स में किस तरह से नेविगेट करेंगे। दो पेन होते हैं, नेविगेशन पेन और डॉक्यूमेंट पेन या डॉक्यूमेंट एरिया। F6 की का यूज करके आप इन एरियाज पे नेविगेट कर सकते हैं। अभी मैं अगर F6 की यहाँ पर प्रेस करूँ, मैं होम की प्रेस करूंगा यहाँ पर, Home, 10 days, Abraham Lincoln by David Colbert open. Open है और डाउन एरो की प्रेस करूंगा यहाँ पर, Level 1, Notice 1 of 16. Level 1, Notice, Down Arrow. Aladdin Star, an imprint of Simon & Schuster Children's Publishing Division, .. Down Arrow. Contents. Contents. अगर मुझे Contents पर जाना है तो मैं यहाँ पर Enter की प्रेस करूँगा. Enter. और F6 की प्रेस करूँगा Document Area में जाने के लिए. F6, Contents Heading Level 1. Contents Heading Level 1. और Down Arrow से Contents इसका पढ़ सकता हूँ. 3. Heading Level 1 Contents. 3. Length. Graphic Image. Length. Introduction. Land, the noun stood unpatriotic for his land and reduced land graphic at land. 3. Heading level 1 contents. Okay, contents. And now, I can read the contents and then F6 key press. F6, preview, contents, 3 of 16. To move through or expand items. Okay, what options? Introduction. Introduction. Alone. Alone. Unpopular voice. Unpopular voice. The good fight. Good fight. Surprise candidate. Treason. Defeat. Emancipation. Emancipation. I'm going to go here. Enter की प्रेस करता Enter. और F6 की प्रेस करता हूँ. F6, Emancipation Heading Level 2. अब यहाँ डाउन एरो की से मैं सारी चीजें पढ़ सकता हूँ. Land, Washington D.C. Land, after the Union, the war has not been going well. Most of Lincoln's generals have been a disappointment. After battles at Boron and Shiloh were Confederate. Forces scored heavily. Feelings of doubt about the wisdom of the war are already being expressed in the North. Land. यहाँ पर आप नॉर्मल रीडिंग कमांड्स यूज करेंगे जैसे कि मैंने डाउन एरो की यूज की, अब अप एरो यूज करूंगा. Forces scored heavily. Feelings of doubt about the wisdom of the war are already being expressed in the North. After the Union, the war has not been going well. Most of Lincoln's land. Washington D.C. यहाँ पर लेटर बाय लेटर भी आप यूज कर सकते हैं लेफ्ट राइट एरो से. Space W A S H I N G T O N space D C period. लेफ्ट एरो की C T space N O T G N I H S A W.
अब आपको मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बताता हूँ. कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस करेंगे. DC, period, F, or, the, union, comma, the, war, has, not, been, going, well. आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस कर सकते हैं पीछे जाने के लिए. Going, been, not, had, war, the, union, comma, the. तो कहने का मतलब आप जो नॉर्मल नेविगेशन कमांड्स हैं, रीडिंग कमांड्स हैं, उनका यूज करके आप टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं. दूसरी चीज, आप जो टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं तो उसमें एरो कीज का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो नॉर्मल रीडिंग कमांड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ HTML व्यू में हम हैं तो आप हेडिंग्स के लिए H Shall not perish heading level 2 एच प्रेस करूंगा मैं, और Victory heading level 2 फिर से H Assassination heading level 2 फिर से H Freedom heading level 2. अब मैं लिंक्स के लिए टैब की प्रेस करूंगा. Tab. कोई लिंक नहीं है. Tab. ओके, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं. मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ए प्रेस करता हूँ तो कोई रेडियो बटन नहीं है. देखिए देयर आर नो रेडियो बटन्स ऑन दिस पेज. ओके, तो ये HTML व्यू है जहाँ पर हम नेविगेट कर सकते हैं HTML की कमांड्स के साथ. और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और आप क्या क्या कर सकते हैं. कोई आप टेक्स्ट अगर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं कंट्रोल F प्रेस करके. आप इस बुक में सर्च कर सकते हैं कंट्रोल F प्रेस करके, और साथ ही साथ आप नेक्स्ट आइटम सर्च कर सकते हैं F3 प्रेस करके. शिफ्ट F3 प्रेस करके आप प्रीवियस आइटम को सर्च कर सकते हैं. और साथ ही साथ आपके लिए जो मैं दूसरी कमांड्स हैं, ऑडियो बुक्स अगर आप सुनते हैं इसमें तो उन्हें भी आप सुन सकते हैं. आप अगर FSR3 यूज कर रहे हैं मेरी तरह तो आप हिंदी बुक्स भी इसमें रीड कर सकते हैं. हिंदी बुक्स रीड आप कर सकते हैं. जी हाँ, मैं आपको एक हिंदी बुक भी रीड करके दिखाता हूँ. यहाँ पर अभी हम इस बुक को क्लोज करेंगे, और मैं आपको जैसे ही बता चुका हूँ कि आप जहाँ फिनिश करते हैं कोई बुक रीड करना तो वहीं से नेक्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं वो बुक वहीं से रीड होना शुरू होती है. Control O, open dialogue, file name, edit combo, alt I, login, combo box, Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, my books, books, my bookshare, enter, login, combo box, my bookshare, 15 of ship app, list view, not selected subject, 106, the move app, login, comp app, toolbar go app, toolbar app, folder view, list view, graphic 344, Abraham Lincoln, graphic 344, Janinda Catania 12/23/20, enter, folder view, list view, not selected, graphic 16, Janinda Catania, back 1.12/20, graphic 16, part 1 hai iska ye, aur enter. Land. Heading level 1 Janindaka. Land. Remcam. Land. Heading level 1 notice. Land. This accessible media has been made available to use. Land. Land. Limitation of light permitted use. Liquid quality. Heading level 2. 1. Heading level. Okay. इसमें हिंदी का टेक्स्ट भी है, और अब लोड करते हैं हिंदी. ठीक है. Select the voice profile. Snap. Vote Hindi. Vote Hindi. Janindaka. Any iron pyrrhic heading level leak. मैं यहाँ पर F6 की प्रेस करूँगा. अच्छे रिव्यू. एक बड़े भाई साहब दो लेवल दो लेवल एक नोट लेवल एक प्रेमचंद आप लेवल दो कथाक्रम एक नौ एक बड़े भाई साहब. कौन सी कहानी पढ़े हम देते हैं. दो ईदगाह तीन गुल्ली डंडा चार दो बैलों की कथा पांच परीक्षा छह बड़े घर की बेटी सात रामलीला आठ कजाकी सात छह पांच परीक्षा. ओके, अगर स्टोरी को मुझे पढ़ना है मैं एंटर की एंटर और F6 अच्छे पांच परीक्षा हेडिंग लेवल दो पांच परीक्षा हेडिंग लेवल दो. डाउन एरो की से इसे पढ़ सकते हैं या इंसर्ट डाउन एरो की से भी आप इसे पढ़ सकते हैं. द्वारबत की हेडिंग लेवल नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा है. पौन विरम गलियों में खून की नदियां बह रही है. पौन विरम चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है. पौन विरम बाजार बंद है. पौन विरम दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जाने की खैर मना रहे हैं. पौन विरम किसी की जान सलामत नहीं है. पौन विरम कहीं घरों में आग लगी हुई है कहीं बाजार लुट रहा है कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता. पौन विरम पुलिसों की बेग में महलों से निकाली जा रही है और उनकी बेहुरमती की जाती है. पौन विरम ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती. पौन विरम मानव हृदय की क्रूरता कठोरता और पैशाचिकता. ओके, तो ये आप कोई हिंदी बुक भी इसमें पढ़ सकते हैं.
Select our voice profile 8. Length. Title is FS Reader Chinindica and in back 1. Setting is 5. Abhi main aapko ek audio narrated book jo hoti hai usse open karke bataunga. Pehle menu mein aapko bataun main kya kya hai. I think chaliye pehle hum dekh lete hain ek audio book na. Uske baad hum dekhte hain menus iske kya kya options hain. Control O, open dialog, file name, alt I, login, combo option in the cache. My book, books, more, local disk G, DVDR, local disk D, enter, login, combo box, local disk tab, toolbar go tab, toolbar recent, tab, folder view list view, not selected, graphic 344, graphic 199, absolver, 1 of 35, I, graphic 344, India today. Today. Enter folder view list view not selected graphic 344 22 July 7th slash graphic 300 enter folder view list view not selected graphic 16 ncc.html 7 graphic 16 enter 100% go tail Cosmerica heading level 3 link India the date went okay ye book open ho gayi hai aur iski commands main aapko bataunga kisi bhi book ko play karne ke liye agar aap jis jagah par hain us book ke wahan se agar play karna chahte hain तो आप कंट्रोल पी प्रेस करके कंट्रोल पी से आप प्ले करेंगे कंट्रोल पी मैं भी यहाँ पर प्रेस करता हूँ इंडिया टुडे 23 जुलाई 2015 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विशेष इस पुस्तक की रिकॉर्डिंग अरुषि संस्था स्थित रिकॉर्डिंग स्टूडियो में की गई है कंट्रोल पी से आप प्ले भी कर सकते हैं कंट्रोल पी से आप पॉज भी कर सकते हैं चलिए कोई अच्छी सी टॉपिक ढूंढते हैं ना F6 प्रेस करके F6, preview, India the date went, level 2, San Sanikich Katala closed, box open. Level 3, go tail Cosmerica, level 2, Moth Kazal Sila, 4, Nagar Firm Kai Nalbat closed, Abnati Shivraj closed, Rajra Rajatsan Vikas Passport, Rashtra FTIE Maxa Kiliya Bagawat closed, Utha Kaira, K. Pichit Gaya India C. Barrett, Siwa Vistar Parsal, K. Pichit Gaya India Siwa Vistar Parsal, Batla Lane Kiliya, Barrett Kodurn Kaik, Jean Ki Sat, Jean Kai Katter, Sarah Jamanda Danskot, Jean Keysat, Jean Kike, Barrett Koga, Nagar Firm, Moth Kazals, Level 3, Gotail Kazhair, Level 2, Box Open, Sam Sam, Varazi Kayu Choden Pataya Maka, Varazi Kayu Choden Pataya, to move through or expand items use the arrow keys. Sam Sandikich, Box Open, Level 3, Gotail Kup, Level 2, Moth Kaz, Nagar Firm, Abnati, Rashara, Rashtra F, Utha Kai, K, Pichit Gaya, India, C, Bear, Enter. कैसे पिछड़ गया इंडिया से भारत देश के लोगों को गरीबी से निजात दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर मुझे थे रोका है और शहरीकरण की सरकार अभी अगर मैं किसी और एप्लीकेशन में जाता हूँ फॉर एग्जांपल मैं नोटपैड ओपन करता हूँ यहाँ पर विंडोज आर ओपी नोटपैड एंटर अनटाइटल्ड अभी मैं हूँ नोटपैड में यहाँ पर और लैंड 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 ये आपको शो करके दिखा रहा हूँ लैंड लैंड इंसर्ट टी प्रेस करके नोटपैड बताई गई है टाइटल इज अनटाइटल्ड नोटपैड मैं यहीं से एफएस रीडर को प्ले कर सकता हूँ पॉज कर सकता हूँ कंट्रोल पी प्रेस करूँगा यहाँ पर शहरीकरण की सरकार सामाजिक आर्थिक जनगणना के नए आंकड़े माकूल नीतियां बनाने में हो सकता है कंट्रोल पी फिर से प्रेस करके मैं पॉज कर सकता हूं यहीं से अगर आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं कंट्रोल फुल स्टॉप और बैकवर्ड के लिए कंट्रोल कॉमा है एक बार हम यहीं से वो चीज़ें ट्राई करके देखते हैं गरीबी के खिलाफ लड़ाई 68 शिकों तक सत्ता की बागडोर दिलाने वाला लेकिन अभी तक जीती नहीं जा सकी गरीबी के खिलाफ लड़ाई 68 साल से जारी है ताकि बागडोर दिलाने वाले लेकिन गरीबी पर हो जारी सामाजिक आर्थिक जन अभाव ग्रस्तता के कृषि ग्राहकों के लिए मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ कंट्रोल डॉट कंट्रोल के साथ फुल स्टॉप यूज करके मुंबई स्थित एक अर्थात सत्ता तंत्र के गरीबी की व्याख्या अब मैं कंट्रोल के साथ कॉमा यूज करके इसे फॉरवर्ड करता हूँ पीछे की तरफ ले जाता हूँ सॉरी रिवाइंड करता हूँ बैक करता हूँ इसे अब इस अभावग्रस्तता की कहानी लेकिन उन्होंने गरीबी की व्याख्या गरीबी की बहस के इस पचड़े में कोटेशन वे मुंबई स्थित एक अर्थों के लिए जनगण
की तरह रोशनी में लाए गए। 35 से दूसरी बार जारी सामाजिक आर्थिक जनगणना के कंट्रोल पी प्रेस करके मैंने इसे पॉज कर दिया। मैं अभी भी नोटपैड में हूँ। टाइटल इज अनटाइटल्ड नोटपैड। अगर आप कोई पेज इस दौरान प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल कमांड यूज करनी होगी, यानी कि ऑल्ट एफ की दबा के आप फाइल मेन्यू में जाइए, वहां से फिर प्रिंट का जो ऑप्शन है वो वहां पर उस प्रिंट ऑप्शन का यूज कीजिए। यानी कि जो नॉर्मल कमांड होती है मेन्यू में जाके जो रास्ता होता है लंबा वाला रास्ता मेन्यू में जाना, फिर मेन्यू में प्रिंट का ऑप्शन ढूंढना, वहां से आप प्रिंट की कमांड देख करके आप कोई चीज प्रिंट कर सकते हैं अगर एफएस रीडर रनिंग है तो। अगर एफएस रीडर नहीं चल रहा है, आपने ऑल्ट एफ 4 किया हुआ है, एफएस रीडर बंद है, तो आप कंट्रोल पी प्रेस करके प्रिंट कर सकते हैं। ये ऑडियो की कमांड्स हैं, मैंने आपको बताया तीन की, कंट्रोल पी, कंट्रोल कॉमा, कंट्रोल फुल स्टॉप। और साथ ही साथ अगर आप प्ले करते वक्त कंट्रोल पेज या पेज डाउन की कमांड्स अगर यूज करते हैं तो स्पीड आपकी जो पढ़ने की है वो फ्लक्चुएट होगी। जैसे कि मैं भी कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ यहाँ पर। जो 1935 से दूसरी कंट्रोल बार पेज अब प्रेस करते ताकि आंकड़े की तरह रोशनी में लाए गए। अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए जनगणना के आंकड़ों का ब्यौरा तैयार करने वाले मुंबई स्थित में होना जरूरी है हमें इसके लिए, अर्थात सत्ता तंत्र के 130% की बहस के इस खतरे में पढ़ना ये फास्ट हो रहा है। गरीबी की व्याख्या 160%, लेकिन उन्होंने इसे अभावग्रस्तता में बदल दिया 190%। यह जनगणना 2011-12 में की गई थी जिसके आंकड़े 3 जुलाई को जारी किए गए। पेज डाउन 110%। इस जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक करीब 3/4 लोग अभी भी गांव में रहते हैं। करीब 75% ग्रामीण परिवारों में सबसे अधिक कमाई करने वाले सदस्यों की आमदनी नॉर्मल स्पीड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन और सिर्फ 8% परिवारों का ही कोई सदस्य 10,000 रुपए से। ये तीनों कमांड आप यूज कर सकते हैं एफएस रीडर के एनवायरनमेंट में आकर। अभी अस्थाई दैनिक मजदूरी ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एफएस रीडर को। और अब आइए इसके मेन्यूज और उनकी जो अलग अलग चीजें हैं उस पर भी एक नजर। मेन्यू बार फाइल द नेविगेट प्रेस लेफ्ट राइट एरो एफ। मैंने ऑल्ट की दबाई है और ऑल्ट की दबा करके इसका मेन्यू ओपन हो गया। मैं डाउन एरो की से आप इसको देखूंगा। मेन्यू फाइल मेन्यू ओपन कंट्रोल प्लस ओ द नेविगेट प्रेस अप और डाउन एरो ओ। ओपन ओपन से आप फुल फाइल ओपन कर सकते हैं, डेजी बुक रीड कर सकते हैं। ओपन जॉस ट्रेनिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स कंट्रोल प्लस जे जे। कंट्रोल प्लस जे इसका शॉर्ट कमांड है जिससे कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स ओपन कर सकते हैं डेजी बुक के साथ, जो आपकी एफएस रीडर की तरफ से आया हुआ है। फ्रीडम साइंटिफिक की जो बुक्स होती हैं उनका टेबल ऑफ कंटेंट्स आप ओपन कर सकते हैं। जो भी बुक्स आपके पास होंगी फ्रीडम साइंटिफिक की उनका सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। एक क्योंकि कि बुक्स की लिस्ट इंडेक्स आपको मिल जाएगा फ्रीडम साइंटिफिक की, कौन कौन सी बुक्स आपके पास हैं। जो बुक आपके पास नहीं होगी उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बुक्स जो जो अवेलेबल है फ्रीडम साइंटिफिक के पास वो सारी लिस्ट भी उसके साथ में होगी, जिससे आप एंटर करेंगे वो बुक डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको देगा। Add UAK dot 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 to. Add UAK. 1 India today 23 July. इसके बाद में ये होता है कि 5 या 6 ऑप्शंस अपीयर होते हैं जो आपकी रिसेंटली ओपन फाइल्स होती हैं, वो यहाँ पर शो होती हैं। आप जो बुक्स रिसेंटली आपने ओपन की हुई हैं, आप डायरेक्टली यहाँ जाकर ये भी ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने और कौन सी बुक ओपन की थी उसकी भी लिस्ट यही है। अगर मैं यहाँ पर इंटर की प्रेस करता हूँ तो वो बुक ओपन हो जाएगी। 3 10 days, Abraham Lincoln, 3. जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इंटर की प्रेस कर दूंगा तो ये बुक एंटर लिविंग मेन्यू नोटिस हेडिंग लेवल 1 10 डेज अब्राहम लिंकन पेज हैज 20 हेडिंग्स एंड 14 लिंक्स नोटिस हेडिंग लेवल 1। ये बुक ओपन हो गई। फिर से हम ऑल्ट की दबाते हैं और राइट एरो की प्रेस करेंगे। मेन्यू बार फाइल टू नेविगेट प्रेस लेफ्ट राइट एरो एफ व्यू वी व्यू मेन्यू डाउन एरो की प्रेस करेंगे हम। मेन्यू व्यू मेन्यू नेविगेशन पेज चेक टू नेविगेट प्रेस अप और डाउन एरो एन। इसमें आपको थोड़ा सा मैं चीज समझाना चाहूंगा। ये एक नेविगेशन पेन है जो कि चेक्ड है। स्पॉटलाइट चेक एस। स्पॉटलाइट चेक। स्पॉटलाइट सेटिंग्स डॉट 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 सी। स्पॉटलाइट सेटिंग्स। नेविगेशन पेन चेक एन। ओके,
स्पॉटलाइट क्या होता है? सबसे पहले आपको ये बताऊं, जो बुक आपने ओपन की है उसका टाइटल इस स्पॉटलाइट के थ्रू दिखाई देता है और वो हाईलाइटेड होता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि आपने इस वक्त कौन सी बुक ओपन की हुई है अपने एफएस रीडर में। नेविगेशन पेन चेक्ड, अगर ये नेविगेशन पेन चेक्ड है तो आपकी स्क्रीन के दो पार्ट हो जाएंगे, जिसमें से राइट पार्ट में आपके डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट होगा और लेफ्ट पार्ट में नेविगेशन पेन होगा जिसमें ट्री व्यू होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को और भी ज्यादा वाइड व्यू में देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पे केवल डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट ही हो, तो आप उस नेविगेशन पेन को अनचेक कर सकते हैं एंटर की प्रेस करके। Notice heading level 1. Oh. Menu bar. Spot view. V. Menu. Spotlight check. Spotlight settings. Dot dot dot. E. Spotlight settings. Or right arrow. Audio menu. Play slash pause control plus P unavailable. E. Audio menu है ये, इसमें control key से play और pause दोनों चीजें होती हैं। Stop control plus S unavailable. S. Stop. अगर आप stop करना चाहते हैं play करते हुए book को, तो control S press करेंगे। अगर pause करना चाहते हैं, तो control P press करेंगे। Rewind comma unavailable. R. Rewind के लिए R. Fast forward period unavailable. F. Fast forward dot. Rate sub menu A. Rate sub menu. Increase control plus page up unavailable. I. Decrease control plus page. Normal control plus shift plus N. Increase control plus page up. Rate sub menu A. Play slash pause control plus P unavailable. E. ये audio menu हो गया है, right arrow press करूँगा मैं. Navigation menu. Bookmark sub menu E. Bookmark sub menu. Set bookmark control plus D S. अगर आप बुकमार्क सेट करना चाहते हैं किसी जगह पर जाके, तो आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। डाउन एरो से देखते हैं। View bookmarks control plus K V. अगर आप सेट बुकमार्क्स को देखना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस K प्रेस करेंगे। Set bookmarks bookmarks sub menu B. Go to page control plus G G. अगर आप किसी सिलेक्टेड पेज पर जाना चाहते हैं बुक के, तो आप कंट्रोल G प्रेस करके पेज नंबर टाइप करके उस पेज पर जा सकते हैं। Search sub menu S. Search sub menu. Find control plus F. Find control plus F. Find control plus F. Find next F3 N. Find next F3. Find previous shift plus F3 T. Shift plus F3. Find previous. Find control plus F. Search sub menu S. Down arrow. Bookmark sub menu P. Set bookmark bookmark search sub menu. Go to page control plus G G. Help menu. Heading started F1 G. Leaving menu. Notice heading left blank. This accessible media plan. Heading left blank. हम इसमें bookmark कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एक heading level 1 notice इसी selected पेज पर मैं जाता हूँ। देखिए control G control G control G land heading land state land heading 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 level 1 10 days okay. Abraham Lincoln पेज नंबर पर नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, हम bookmark set करेंगे इस पर। Notice couple for book cons introduction heading excerpt treason heading level 2 defeat heading left emancipation heading left shall not perish heading level 2 Victory heading level 2. Victory. इस heading पे हम bookmark set करेंगे. Control P. Victory. Land heading level 2. Victory. Menu bar. View audio. Navigation. N. L. A. Map menu. Navigation menu. Bookmark. Set bookmark. Control plus C. S. Enter. Leaving menu. Set bookmark dialog. Enter a name for this bookmark. Edit. Hyphen text. Alt plus E. Enter a name for this bookmark. Edit. Hyphen text. Alt plus E. V I C T O R Y. मैंने इसको एक नाम दिया है victory and tab की प्रेस करते हैं। victory tab ok button to tab cancel tab enter a name for tab ok button to activate press space bar alt okay. auto enter की प्रेस करते हैं। enter victory heading level 2 ok ये bookmark set हो गया है। एक और bookmark set करते हैं assassination at freedom heading level 2 freedom इस पर हम bookmark set करते हैं। एक alt की प्रेस करेंगे। menu bar view audio a view the audio navigation menu bookmark sub menu the navigate press up or down arrow d set bookmark control plus c s enter leaving menu set bookmark dialog enter a name for this bookmark edit hyphen text f r e e d o m freedom मैंने टाइप किया और enter freedom enter freedom heading level 2 तो ये होता है bookmark sub menu और bookmark का use इस तरह से होता है और इसमें हेल्प का भी सिस्टम है। मेनू बार, नैप सिस्ट, हेल्प एच, मेनू, हेल्प मेनू, गेटिंग स्टार्टेड F1, नैप अबाउट एफएस रीडर डॉट डॉट डॉट, गेटिंग स्टार्टेड F1। दो ऑप्शंस हैं, गेटिंग स्टार्टेड अबाउट एफएस रीडर, एस्केप एस्केप लीविंग मेनू बार। तो ये दो चीजें हैं, आप इन दोनों ही चीजों को समझ सकते हैं और इसके थ्रू आप एफएस रीडर को यूज कर सकते हैं। तो ये था एफएस रीडर के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू कि किस तरह से आप एफएस रीडर को अपने सिस्टम पर यूज कर सकते हैं।
और Techcity पर आइए अब डेस्कटॉप की दुनिया से बाहर निकलते हैं और चलते हैं मोबाइल्स की दुनिया में और बात करते हैं एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में। और Techcity पर अभी जो इस ऐप की हम डिस्कशन करने वाले हैं, इस ऐप को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एक एंड्रॉइड ऐप है और बहुत ही अच्छा ऐप है, यूजफुल ऐप है अगर हम यूज करने की कोशिश करें तो। एक्चुअली ये एक रीडिंग ऐप है, तो जो लोग पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, जो या यूं कहें कि पढ़ने का कीड़ा जिनको है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऐप है, बल्कि वरदान साबित हो सकता है अगर हम यूज करें इसे तो। यूं कहें कि ये एप्लीकेशन पढ़ती है हमारे लिए, एप्लीकेशन जो है अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ती है हमारे लिए। ये जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो एप्लीकेशन है वॉइस रीड अलाउड। एक ऐसी एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड फोन में मौजूद टेक्स्ट को हमारे लिए लाउडली रीड करता है। इसके थ्रू हम अलग अलग आर्टिकल्स, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, टीएक्सटी डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट है और आप इसे पढ़ना चाहते हैं, तो सिम्बियन फोन्स पे तो ये इम्पॉसिबल ही था, लेकिन एंड्रॉइड फोन्स पे इस पीडीएफ रीडर की मदद से, यानी कि वॉइस रीड अलाउड की मदद से, आप कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट या टीएक्सटी डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि कोई एचटीएमएल डॉक्यूमेंट भी अगर आपने सेव किया है, कोई वेब पेज आपने अपने कंप्यूटर पर सेव किया है, तो वो आप इस एप्लीकेशन की मदद से पढ़ सकते हैं। खास बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस ऐप की, कि अगर मान लीजिए आपने कोई एचटीएमएल डॉक्यूमेंट खोला है और उसमें क्या होता है कि इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे होम, अबाउट, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी ना, और अलग अलग लिंक्स, मतलब जैसे कि लिंक्स होती हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, नेविगेशन पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं जो हमारे लिए कोई काम के नहीं होते हैं पढ़ते समय। वैसे तो बहुत काम के होते हैं नेविगेशन करते समय, क्योंकि इनका काम होता है नेविगेशन करना पेज पर, हमारे लिए नेविगेशनल मार्क्स बनते हैं ये जब हम एक वेब पेज पर होते हैं। लेकिन एक आर्टिकल पढ़ते समय इनका हमारे बीच में क्या काम, एक तरह से एक अनॉइंग पॉइंट्स लगते हैं हमें एक रीडिंग के समय। आप कोई अच्छा सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सपोज कि जब एक बहुत अच्छा सा रोमांटिक आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, उस आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते आपने कंप्यूटर पर अगर आप हैं तो इंसर्ट डाउन एरो प्रेस किया और पढ़ रहे हैं आप, पढ़ते जा रहे हैं और अचानक से बीच में एड्स आ गए, बहुत सारे गूगल के एड्स आ गए या इसके एड्स आ गए, फ्रेम्स आ गए अलग अलग, या कुछ अलग अलग हेडिंग्स आ गए या लिंक्स आ गए बीच में कुछ, तो उस वजह से वो आर्टिकल को पढ़ना थोड़ा सा अनोइंग सा लगता है, बहुत एक क्या कहूँ मैं उससे, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, बहुत ही चिड़सी मचने लगती है कि यार ये बीच में क्या चीज आ गई। तो वॉइस रीड अलाउड क्या करता है, आपको वो जो अलग अलग चीजें होती है, नेविगेशन मार्क्स होते हैं आर्टिकल के बीच में या आर्टिकल के ऊपर नीचे, उनको रिमूव करके जो प्योर टेक्स्ट होता है वो आपको प्रेजेंट करता है। और प्योर टेक्स्ट जब आप सुनते हैं तो आपको आर्टिकल सुनने का तो मजा ही कुछ और होता है। ये काम करता है हमारा वॉइस रीड अलाउड। इसको यूज कैसे करते हैं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं वॉइस रीड अलाउड्स का ये जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाइपरनिक्स द्वारा डिजाइन किया जाता है ये वॉइस रीड अलाउड एप्लीकेशन। सॉरी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस एप्लीकेशन को ओपन करके कि आप कैसे इसे ओपन कर सकते हैं। एट वॉइस, ये इसका शॉर्टकट है। तो ये वो है एट वॉइस रीड अलाउड, जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ और कैसे इसमें आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स इसमें कैसे पढ़े जाते हैं वो मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको ये भी ये बताऊं कि इसमें आर्टिकल्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इसमें आर्टिकल्स जोड़ सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ एक बार, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप इसमें अच्छे से इसमें आर्टिकल्स अपने रीड कर सकें। तो ये मैं आपको बताऊं कि कोई भी आर्टिकल रीडिंग लिस्ट में ऐड कैसे किया जाता है, या कोई भी आर्टिकल हमारे वॉइस रीड अलाउड में सेव कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई आर्टिकल आप वेब पेज पर पढ़ रहे हैं, वेबसाइट है जिसको आप सेव करना चाहते हैं और वॉइस रीड अलाउड में आप उसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसे सेव कैसे करेंगे। मैंने क्रोम में भी एक वेबसाइट खोल रखा है, और इस वेबसाइट का कंटेंट मैं अभी वॉइस रीड अलाउड में शेयर करके उससे सेव करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ सेलेक्ट ऑल करूंगा,
सिलेक्ट ऑल शेयर करूंगा मैं इसे। शेयर किया मैंने। एट वॉइस अलाउड रीडर कर सकते हैं। आप इसे वहीं से ऐड भी कर सकते हैं एज ऐड वॉइस टू लिस्ट। अब आप जो है इसे सेव करने के लिए अभी मैंने इसे चुप कर दिया है। अब मैं आपको बताऊं सबसे ऊपर ऑप्शंस आते हैं कुछ मेन्यू का, हमने बताया था आपको कि मेन्यूज होते हैं ऊपर, वहां आपको चलना है और टॉप ऑफ द स्क्रीन पे मोर ऑप्शन होता है वहां आपको क्लिक करना है। आप यहां से सेव कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपके वर्ड या जिस सेंटेंस पर फोकस होता है वॉइस रीड आउट का, उस सेंटेंस को एज ए फाइल नेम वो चूज करता है। यदि आप कोई और फोकस रखना चाहते हैं तो आप खुद से यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं फाइल नेम, अदरवाइज आप अगर कुछ और सेंटेंस पर फोकस रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट एरिया मैंने आपको बताया था बीच में होता है, वहां पर जाके आप उस सेंटेंस को या फ्रेज को ढूंढिए और वहां जाकर आप डबल टैप होल्ड करके रखिए, लॉन्ग प्रेस कीजिए, वो चीज फोकस में आ जाएगी और वो नाम इस फाइल का हो जाएगा। और ये रीडिंग लिस्ट में जाके आप इसे ऐड भी कर सकते हैं लिस्ट में। ऐड डिलीट मूव बटन मूव डाउन प्ले बटन आप प्ले करते हैं रीडिंग लिस्ट में जाके। आपने इसे ऐड किया, ऐड हो गया ये, और अब आप इसे पढ़ भी सकते हैं यहाँ से। और ओपन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप ओपन पर डबल टैप करेंगे तो कोई भी HTML फाइल आप वहाँ से अपने किसी भी फोल्डर में आपने रखी हो उसे ब्राउज करके ओपन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चाहे अपने डेस्कटॉप से इसे सेव की हो तो भी आप इसे ओपन करके पढ़ सकते हैं, या कॉपी करके भी आप टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। जिसको आप ऐड नहीं करना चाहते उसे नॉट चेक कर दीजिए डबल टैप करके। डन बटन पर मैं डबल टैप मैंने किया डन बटन पर और ये वॉइस लिस्ट में रीडिंग लिस्ट में ऐड हो गया है आर्टिकल। अब रीडिंग लिस्ट में जाके आप इसे पढ़ भी सकते हैं। How to use auto recover to automatically reading list button. How to use search. Open.
लिस्ट में जाके प्ले बटन है जिससे प्ले बटन है जिससे आप प्रेस करके अपने आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप जो आपका वॉइस इज अलाउड है उसमें आप ड्रॉप बॉक्स के साथ भी अपने आर्टिकल्स सिंक कर सकते हैं। मोर ऑप्शन में जाके आप ड्रॉप बॉक्स के साथ आर्टिकल्स ये पेस्ट टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप डबल टैप करेंगे तो आप जो भी आपने टेक्स्ट कॉपी किया होगा क्लिपबोर्ड में वो यहाँ पर इस वॉइस इज अलाउड में पेस्ट हो जाएगा। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं और पढ़ना भी शुरू कर देगा। एडिट कर सकते हैं यहाँ से आप, मोर ऑप्शन के अंदर सारा अपना आते हैं, बुकमार्क्स कर सकते हैं आप, सिंक ड्रॉप बॉक्स नाउ, रिकॉर्ड साउंड फाइल का मतलब ये कि जो आप टेक्स्ट इसमें पढ़ रहे हैं फिलहाल वो एक रिकॉर्डिंग उसकी हो जाएगी साउंड फाइल के रूप में, जिसे आप बाद में कभी भी एज एन ऑडियो फाइल सुन सकते हैं। उसे ट्यूटोरियल, इसका ट्यूटोरियल है, हेल्प में इसका हेल्प पेज होता है जो आपको किसी ब्राउजर में खोलना होता है, सेटिंग्स अलग अलग तरह की सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में मैं देखता हूँ क्या क्या चीजें हैं। आप यहाँ से स्पीच रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हैं कि किस तरह से कहाँ पे इसको पॉज होना है पढ़ते हुए और कहाँ पे पॉज लेते समय और कहाँ पे इसे पॉज लेना है और कहाँ से इसे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करना है रीडिंग। जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि आप जैसे ही आर्टिकल पेस्ट करें इसमें या शेयर करें आर्टिकल कोई भी, तो वॉइस जो एप्लीकेशन है वॉइस इड अलाउड उसे पढ़ना शुरू करे या ना करे, बाय डिफॉल्ट अपने आप पढ़ना शुरू कर देती है कोई भी आर्टिकल आप पेस्ट करते हैं। आप स्लीप टाइमर इसमें सेट कर सकते हैं, स्क्रीन पर क्या शो हो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट इसमें ऑटो लैंग्वेज रिकग्निशन का ऑप्शन चूज होता है, अगर आप चाहते हैं कि कोई सिलेक्टेड लैंग्वेज है जिसमें आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये आइकॉन शेयरिंग के लिए, जूम कंट्रोल के लिए, कंट्रास्ट सेटिंग के लिए ऑप्शन है। ड्रॉपबॉक्स की ये सेटिंग्स हैं, इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपने ड्रॉपबॉक्स भी इंस्टॉल किया है अपने मोबाइल पर तो। आर्टिकल जो भी आर्टिकल सेव करते हैं वो किस फोल्डर में जाकर सेव हो ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो सेटिंग आप करते हैं वो किस फोल्डर में जाकर सेव हो वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो किसी और फोल्डर में, बाय डिफॉल्ट ये हाइपरियोनिक्स के फोल्डर में सेव होती है जो डिवाइस स्टोरेज में होता है, अगर आप चाहते हैं किसी और फोल्डर में ये सेव हो तो आप वहाँ इसे सेव कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि देखा होगा आपने जॉर्ज में डिक्शनरी होती है जिसमें आप अपने सिटी का नाम अपने हिसाब से अनाउंस करवा सकते हैं, अपना नाम अपने हिसाब से अनाउंस करवा सकते हैं जॉर्ज से, ही कुछ इस वॉइस सीरियल अलाउड में भी ऑप्शन होता है। टीटीएस सेटिंग्स होती है, इसमें आप टीटीएस चेंज कर सकते हैं अपना वॉइस सीरियल अलाउड का जिसके थ्रू आप पढ़ रहे हैं। वॉइस रीड अलाउड की मेन स्क्रीन पर रिटर्न होने के लिए एक ऑप्शन है। तो दोस्तों ये है ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ वॉइस रीड अलाउड। उम्मीद आपको मेरी ओर से ये ऐप बहुत अच्छा लगा होगा।
ये चीज जान के आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मेरी ओर से अब वक्त होता है टाटा बाबा कहने का आपको, ताकि अगले एपिसोड में फिर हम मिल सके। और सुनते रहिए अप्लाई टू फ्लाइट रेडियो उड़ान। मनोरंजन के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी जानकारियां आपके लिए, और आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। www.radioudan.com हमारी वेबसाइट है, mail@radioudan.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं, facebook.com/radioudan हमारा फेसबुक पेज है जिसे आप लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पर हमारे प्रोग्राम्स और शोज की लाइव स्ट्रीम आप कर सकते हैं। youtube.com पर जाइए और सर्च कीजिए एडिट बॉक्स में रेडियो उड़ान स्पेस टेक्सिटी और रेडियो उड़ान का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है आपके मेल पर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। फिलहाल टेक्सिटी को समाप्त करते हैं आज के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई ऐप के साथ, किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ, किसी नई असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, और सुनते रहिए अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान।